ईश्वर के बाद अगर कोई किसी को जिंदगी देता है तो वो डॉक्टर ही है, इसीलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लोग जीवन की उम्मीद छोड़ देते हैं, लिहाजा उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर इंसान की जिंदगी बचाता है। डॉक्टर के यही प्रयास लोगों की जिंदगी में नया एक सवेरा लाते हैं। और डॉक्टर राहुल चंदोला के अथक प्रयास से दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट मिस्टर मनोज नाम के शख्स को नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर राहुल के अनुसार मनोज का लंग्स ट्रांसप्लांट होना था, जो मनोज की जिंदगी के लिए बेहद डरावना पल था, क्योंकि मनोज पहले से कोविड-19 से ग्रसित था। लेकिन मनोज की जिंदगी की इस चुनौती का सामना करने का फैसला डॉक्टर राहुल चंदोला ने किया और मनोज का सफल लंग्स ट्रांसप्लांट कर उसकी जिंदगी को नया सवेरा दिया। डॉक्टर राहुल चंदोला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकारते हुए मानव सेवा करने और इंसान को नया जीवन प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके इसी प्रयास से लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। डॉक्टर राहुल की इसी बेहतर कामयाबी के लिए उनसे बात की है न्यूज वर्ल्ड इंडिया की कॉरेस्पोंडेंट भारती सिंह ने। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ भारती सिंह। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और डॉक्टर्स की एक स्माइल उनकी सारी दवाइयों के ऊपर भारी होती है। आज डॉक्टर स्पेशल में हमारे साथ है डॉक्टर राहुल चंदोला जी। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में पहला लंग्स ट्रांसप्लांट किया है। क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलने को मिली ये हम उनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ उससे ये साफ है कि उन्होंने एक इंसान को नई जिंदगी दी है। सबसे पहले मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, और साथ ही मैं आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ हमारी पूरी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से कि आपने इतना सक्सेसफुल इस सर्जरी को किया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस पूरी सर्जरी में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिली, कितनी इसकी जो सक्सेस रेट थे वो कितने कम थे और किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया? जी, ये जो ट्रांसप्लांट है ये बेसिकली कोविड ट्रांसप्लांट है। कोविड पेशेंट था जिसको जो है लंग फाइब्रोसिस हुई थी उसकी वजह से जी। और लंग्स की फाइब्रोसिस होने की वजह से ये पेशेंट जो है बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रहते हैं। इस तरह के लंग्स की रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और अल्टीमेटली समथिंग एज ड्रेस्टिक एज लंग ट्रांसप्लांट इज़ नीडेड। सो इस पेशेंट को 4 महीने पहले कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अप टू 15 लीटर्स हो गई और तब हमारे पास इनका रेफरल आया कि क्या इनका लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। तो इनको फिर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है उसके साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री है जी। जो कि सारे ऑर्गन्स के डोनेशन और रेसिपिएंट के रजिस्ट्रेशन मैनेज करती है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद से ये वेटिंग में इनका टाइम शुरू हो गया। फॉर्चुनेटली ऑन लास्ट सैटरडे ही गॉट डोनर, फीमेल डोनर फ्रॉम जयपुर जी। और ये डोनर जो हैं ये 49 इयर्स की एज थी और ब्रेन डेड पेशेंट थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे, और उनके परिजनों ने ये डिसाइड किया कि उनके ऑर्गन्स को जो है डोनेट किया जाए। और इमीडिएटली नोटो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स को नोटिफाई किया, हमारी टीम को भी नोटिफाई किया गया और हमारा रेसिपिएंट उनके डोनर से मैच कर गया। तो उसके बाद फिर यहाँ से टीम वहाँ गई, वहाँ से रिट्रीवल हुआ, ऑर्गन को लेके वापस जो है मैक्स हॉस्पिटल लाया गया और ट्रांसप्लांट हुआ। खास बात इस ट्रांसप्लांट में ये है कि कोविड लंग फाइब्रोसिस में लंग ट्रांसप्लांटेशन अभी तक दुनिया में बहुत कम जगहों पे हुए हैं। US में 2-3 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, चाइना में 1-2 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लंग ट्रांसप्लांट में वर्ल्ड ओवर नहीं है। सो इट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन आल्सो बिकॉज कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो है बहुत डेंस एडिशंस होते हैं। इस पेशेंट में भी वही था, जब हमने ओपन किया तो बहुत लंग जो है बहुत बुरी तरह से जो है चेस्ट वॉल के साथ जो है प्लास्टर्ड था, और ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम यह आती है कि जब आप एडिशन सेपरेट करते हैं तो पेशेंट अनस्टेबल होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और ऐसा ही इस पेशेंट में हुआ। पेशेंट काफ़ी अनस्टेबल हुआ। दूसरा जो है वहाँ पे हाइलम, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं लंग की जो हाइलम होता है जी। वहाँ की एनाटॉमी एकदम क्लियर नहीं थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट
एक एनाटॉमी थी वहाँ पे, तो हमें पेशेंट को जो है एक्मो मशीन पे डालना पड़ा। जनरली हम एक्मो मशीन पे नहीं करते हैं लंग ट्रांसप्लांट, लेकिन यहाँ पे पेशेंट अनस्टेबल हुआ तो उसको एक्मो मशीन पे डालना पड़ा, और एक्मो पे उसको मैनेज करके उसके हार्ट और उसके बॉडी में जो ब्लड है उसको इस मशीन पे लिया गया, और इस मशीन, ये मशीन बेसिकली उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है और एक तरह से हार्ट और लंग्स का जो है काम करती है मशीन। तो जितने टाइम जो है हमने ट्रांसप्लांट किया उतने टाइम उस मरीज का ब्लड जो है इस एक्मो मशीन पे सर्कुलेट हो रहा था, और ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट काफ़ी समय तक जो है एक्मो पे रहा। धीरे धीरे करके हमने एक्मो से, मशीन से मरीज को अलग किया। अनफॉर्चुनेटली वो मशीन से अलग हो भी गया। दो दिन के बाद पेशेंट जो है ग्रेजुअली जो है हम वेंटिलेटर से भी उसको अलग कर पाए, और अल्टीमेटली मरीज़ जो है अभी अच्छा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले जो है दो एक हफ्ते में हम पेशेंट को जो है वार्ड तक में शिफ्ट कर पाएंगे। सर, क्योंकि वो पेशेंट बहुत फॉर्चुनेट थे, और हम इंडियन जो लोग हैं वो खुद इतने फॉर्चुनेट हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारे पास हैं और इतनी बड़ी सर्जरीज को इतने सक्सेसफुली हम देख पाते हैं। पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे तो आपने बताया कि साउथ इंडिया में आपने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, तो इसमें सक्सेस रेट के क्या चांसेस होते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब एक सर्जरी के बारे में सोचता है तो सर्जरी वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसको सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। तो इस तरीके की सर्जरीज जो अपने आप में एक मिरेकल है, तो कितने सक्सेस रेट रहते हैं? जी, सो लंग ट्रांसप्लांट बेसिकली जो किया जाता है, कुछ कंडीशंस लंग की होती हैं जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड होता है। इसमें जो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या फिर COPD या फिर कुछ पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं या कोई भी क्रॉनिक लंग डिजीज़ जो एंड स्टेज डिजीज़ है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्वाइवल 2 साल से ज़्यादा नहीं है मरीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो वहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट का रोल आता है। और लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, और आउटकम्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी जो है लेटेस्ट जो है, अब कोविड सिचुएशन आई है, एक पेंडेमिक है जो कि सामने आया है, तो इस सिचुएशन में भी लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। ऐसा जो है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कम एक्सपीरियंस है लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस इवॉल्व हो रहा है, तो लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी ऑलरेडी एस्टैब्लिश मोडालिटी है, कोविड सिचुएशन में रिलेटिवली नई है, और इसको और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि आगे जो है इन पेशेंट्स का आउटकम्स, लॉन्ग टर्म आउटकम्स कैसे रहते हैं। आई एम श्योर लॉन्ग टर्म आउटकम्स वैसे ही रहेंगे जैसे बाकी डिजीज़ के लिए हैं। और लंग ट्रांसप्लांट से न केवल आप सर्वाइवल इम्प्रूव करते हैं पेशेंट का, जो पेशेंट जो है एक्सपेक्टेड है कि वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ऐसे पेशेंट को आप कई साल जो है ट्रांसप्लांट के बाद वो जीवित रहते हैं, और दूसरा सर्वाइवल के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दीज पेशेंट्स इज रियली मिजरेबल। जो पेशेंट्स जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, जिन पेशेंट्स को ILD होता है, COPD होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये पेशेंट्स जो हैं बहुत सिक होते हैं। ये इतने सिक होते हैं कि ये चलने फिरने पे रैपिडली डिसैचुरेट होते हैं, तो वो डरते हैं कि चलेंगे तो जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इवन बात करने से भी डिसैचुरेशन होता है, तो ये पेशेंट बेसिकली खाली बेड बाउंड हो जाते हैं एक स्टेज पे आके, क्योंकि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। ऐसे पेशेंट्स को धीरे धीरे करके क्या होता है कि इनका न्यूट्रिशन पुअर होने लगता है, वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और साथ में जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ज़्यादातर इस तरह के मरीज़ होते हैं वो 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन पे होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है, बहुत ही पुअर। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद ये लोग ऑक्सीजन से दूर हो जाते हैं, है ना, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने लगते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिशन गेन करते हैं, हेल्थ गेन करते हैं, बॉडी वेट इम्प्रूव होता है, और जो एक नॉर्मल आदमी जो है करता है वो ये मरीज़ जो है ऑपरेशन के बाद कर पाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार होता है।
तो लंग ट्रांसप्लांट इसीलिए जो है एक बहुत अच्छी मोडालिटी है इन सब सिचुएशंस में। जी बिल्कुल। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है इससे पूरी तरीके से ग्रसित है, तो मैं ये भी जानूं क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो पेशेंट कोविड पेशेंट थे, कोरोना पॉजिटिव थे, तो ये अपने आप में और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऑल्दो आजकल हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स सब कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं और हम उन्हीं के लिए थैंकफुल हैं, इसी वजह से चीजें चल पा रही हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसप्लांट इतना मेजर था और साथ ही जिस तरीके से ये पूरा ट्रांसप्लांट हुआ कोविड पेशेंट का, तो आपकी अपनी पर्सनल लेवल पे जो आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ है, पर्सनल लाइफ है, उन सब चीजों पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जरूर फर्क पड़ता होगा। तो मैं उसमें भी जरूर जानना चाहूंगी कि कोविड पेशेंट के साथ डील करना, एक तो ऐसी सर्जरी में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, साथ ही कितना डर अंदर से रहता है डॉक्टर्स को भी पर्सनली इन सब पेशेंट्स के साथ डील करते रहे। जी सो ये जो कोविड पेशेंट था, इसको कोविड मार्च में हुआ था, मार्च अप्रैल में इसको जो है कोविड हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने उस बात को हो गए थे जी। तो कोविड नेगेटिव हो गया था ये पेशेंट, बट उस कोविड की वजह से लंग में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई थी जी। तो ये बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चले गए थे, लेकिन ये बॉडी में कोविड नेगेटिव हो चुके थे, आरटीपीसीआर इनका नेगेटिव आ चुका था, तो इन्फेक्टिविटी इनकी नहीं थी। तो जब हम ऑपरेट कर रहे हैं इनको, तो हमको इनसे जो है कोविड होने का खतरा नहीं है। पूरी टीम को, जितने डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, जिनकी टीम, जो भी टीम जो है हमारी जो है इनके साथ काम कर रही थी, उनको इनसे रिस्क नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहाँ जो है डोनेशन हुआ, वहाँ पे जो है, क्योंकि बाकी टीम्स भी थी वहाँ पे, करीब एक ऑपरेशन थिएटर में कम से कम जो है हम समझते हैं 25 से 30 लोग थे वहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर भी इतना बड़ा नहीं होता कि जिसके अंदर जो है 25-30 लोग एक साथ आ जाएं। मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक टीम लिवर निकाल रही है, दूसरी टीम किडनीज रिट्रीव कर रही है, तीसरी टीम हार्ट, चौथी टीम जो है लंग्स रिट्रीव कर रही है, और एक क्लोज एरिया में होता है वो, सो यू कैन गेट इन्फेक्शन देयर। ऑब्वियसली यू नो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वहाँ पे फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, यू आर मोर फोकस्ड ऑन पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी के बारे में आप सोचते हैं जी। तो वहाँ डेफिनेटली रिस्क है, यहाँ पे जब उसको लेके आए हैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में, यहाँ पे रिस्क है, बट डायरेक्टली पेशेंट से, रेसिपिएंट से जो आपको कोविड होने का खतरा नहीं है जी। सर साथ ही मैं बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन भी है कि जब ऐसे पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हैं, या तमाम नॉर्मल पेशेंट्स जिनकी इतनी बड़ी सर्जरीज भी नहीं होती हैं, तो उन सभी पेशेंट्स के साथ जब आप मिलते हैं और जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं चीज़ें और वो पूरी तरीके से ठीक होकर जब घर जाते हैं, तो जो फीलिंग्स और जो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जी ये जो आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं और जो काम कर रहे हैं, शायद इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा रिवॉर्ड शायद कोई और नहीं हो सकता है कि पेशेंट, जब आपने जिस पेशेंट को जो है जो चिकित्सा दी, जो उपचार किया, जो सर्जरी की, उसके बाद जो है वो मरीज़ एकदम ठीक ठाक होके जाता है, और आप शायद उस मरीज़ की लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज बन के आपने जो है कुछ उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और बहुत ही संतोषजनक चीज़ होती है जी। मैं सर क्योंकि एक लंबा, मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है, तो अब तक की जो जर्नी रही है आपकी, मैं आपके पर्सनल लेवल पे भी पूछना चाहूँगी कि आपकी अब तक की जो जर्नी रही है पेशेंट्स के साथ, पर्सनल लेवल पे, पढ़ाई को लेकर, तो ये सारी जर्नी कैसी रही है, कितनी टफ रही है एक्चुअली, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर इटसेल्फ इज़ अ टफ जर्नी, क्योंकि आप बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, आपको हर दिन हर पेशेंट के साथ जो है वो एक नए तरीके से ट्रीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक पेशेंट हो सकते हैं लेकिन एक फैमिली के लिए सब कुछ है जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस और कितनी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं? जी सो आप जो ट्रेनिंग के बारे में अगर पहले बात करें जी, तो जो है ट्रेनिंग मेरी जो है, मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की जी, और MBBS और MS वहीं से किया। उसके बाद मेरी जो है सुपर स्पेशलिटी में ट्रेनिंग हुई कार्डियक सर्जरी में, उसके बाद मैं एस्कॉर्ट्स और अपोलो में कई सालों तक काम किया मैंने। उसके बाद मेरी जो है मैं विदेश चला गया कनाडा में, टोरंटो में था मैं करीब 5 साल, वहाँ पे मैं जो है हार्ट ट्रांसप्लांट में मेरी ट्रेनिंग हुई।
उसके बाद मैं अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, वहाँ पे मैंने जो है हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में डेडिकेटेड ट्रेनिंग ली और करीब 6.5-7 साल जो है विदेश में ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं वापस आया और चेन्नई में मैंने जो है हार्ट लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वहाँ पे ज्वाइन किया। मैं वहाँ पे प्रोग्राम इंचार्ज था और वहाँ पे कई ट्रांसप्लांट हमने किए। अब तक ओवरऑल विदेश में और यहाँ हम जो है करीब 250 के आसपास जो है लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और ये जर्नी जारी है। नॉर्थ में ख़ास तौर से कोविड सिचुएशन में, कोविड लंग फाइब्रोसिस में लंग ट्रांसप्लांट शायद ये पहला लंग ट्रांसप्लांट होगा। और जैसा मैंने बताया वर्ल्ड ओवर जो है इस तरह के ट्रांसप्लांट बहुत चुनिंदा हुए हैं, तो एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है इस तरह के ट्रांसप्लांट्स में। एक इवॉल्विंग जर्नी है एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी। तो कनाडा से फिर साउथ में और फिर अब नॉर्थ में, तो क्या आपको नॉर्थ में खींच लाया वापस? देखिए नॉर्थ एक तो मेरा जन्म स्थान है जी। मैं गढ़वाल को बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ, तो नॉर्थ मेरा जन्मस्थान है तो यहाँ वापस आना ही था। अपनी जन्मभूमि से हर किसी को प्रेम होता है और छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी आदमी जो है उस जगह वापस जाने की कोशिश ज़रूर करता है, तो यहाँ आना स्वाभाविक था मेरे लिए जी। और जैसा हमने पढ़ा भी आपके बारे में, आप विवेकानंद हेल्थ मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, मैं उसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी कि क्या है ये और आप इसके साथ क्यों जुड़े हैं। जी, विवेकानंद हेल्थ मिशन जो है ये बहुत ही एक धर्मार्थ मिशन है जिसमें जो है बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे समाज के लोग जो है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और विद एन एम कि उत्तराखंड में रिमोट एरियाज़ में जी। और ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे जो है हेल्थ का एक्सेस अच्छा नहीं है लोगों को, हेल्थ जिनके लिए जो देहरादून से जो है 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्थ एक्सेस मुश्किल है। ऐसे एरियाज़ में, गंगोत्री में, जमुनोत्री में, उधर जो है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वहाँ पे लोगों को हेल्थ की एक्सेस नहीं है, तो ऐसे सुदूर एरियाज़ में जो है हेल्थ कैसे पहुँचाई जाए और साथ साथ हेल्थ के साथ जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी कैसे डील किया जाए, इस बारे में जो है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन जो है काम करती है। और हमने जो है सन 2012 से जो है इसमें काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके जो है शुरुआत जो है 2016 में एक अस्पताल जो धर्मावाला देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर अस्पताल है वहाँ से शुरुआत हुई और आज जो है इस तरह के जो है 8 हॉस्पिटल जो है ऑल ओवर उत्तराखंड जो है ये सोसाइटी चलाती है। और ये सारे अस्पताल जो है धर्मार्थ हैं, बहुत से इसमें से मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स एकदम निःशुल्क हैं, यहाँ मरीजों को निःशुल्क में जो है देखा जाता है, निःशुल्क में चिकित्सा की जाती है, उनकी दवाइयाँ निःशुल्क हैं, साथ में इवन भोजन तक उनको कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, भले ही मरीज़ वहाँ एक दिन के लिए आए, एक बार दिखाने के लिए आए, या फिर आईसीयू में एडमिट हो 10 दिन तक, 20 दिन तक, एक महीने तक आईसीयू में एडमिट हो, तब भी उससे जो है एक भी ऐसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये पूरी तरह से एक जो है एक निस्वार्थ भावना से जो लोग जुड़े हुए हैं इस प्रकल्प में। और हमारा एक नया अस्पताल जो है हरिद्वार में अब जो है इस जनवरी में, आप जान के आपको खुशी होगी, हरिद्वार में भी एक अस्पताल जो है जनवरी में शुरू हो रहा है जो कि इसी तरह के लोगों के लिए एक प्रयास है कि वहाँ पर जो है एक अच्छी फैसिलिटी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हम कम से कम दरों में जो है मरीजों को उपलब्ध करवा सके। जी सर, आपके अंदर कितनी पेट्रियोटिक और कितनी देशभक्ति की भावना है वो हमें ज़रूर समझ में आता है इन सब चीज़ों से, पर साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस, क्योंकि सर्जरीज वगैरह सब लाइनअप रहती हैं, बैक टू बैक रहती हैं, पेशेंट्स रहते हैं कंटिन्यूस, तो अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं आप? जी सो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको जो है कोई ना कोई हॉबी या कोई रिक्रिएशन जो है आपको विच इज़ वेरी क्लोज टू यू, यू मस्ट परस्यू। और मैं भी जो है जो अपने
जो एक दो शौक हैं उनको मैं ज़रूर जो है परस्यू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो है जो टाइम मुझे जो है यहाँ से मिले अस्पताल से मैं स्पेंड दैट टाइम विद दैट हॉबी एंड ऑल्सो विद माई फैमिली आई ट्राई टू गिव देम एज मच टाइम एज पॉसिबल। सर तो ये जो पूरी जर्नी आपकी रही है और अब क्योंकि काफी लंबा टाइम रहता है 24 घंटे 48 घंटे आप रहते हैं तो उस टाइम पे अपने आपको क्योंकि फ्रेश भी रखना है, आपको सर्जरीज भी करनी है, आपको खुद थोड़ा एटलीस्ट खाना और तमाम चीजें जो है वो देखनी पड़ती है, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं और घर जाने के चांसेस कितने रहते हैं और कब से आप, अब मैं भी ये पूछना चाहूंगी कि अभी भी जब हम आपके पास आए तो आप कब से घर नहीं गए हैं? देखिए ऐसा है कि ये एक डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल जो है कैसा है। कुछ ऐसा समय भी होता है और हर डॉक्टर इस चीज़ को जानता है, कुछ ऐसा समय भी होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि बहुत बिजी होते हैं। आपके पेशेंट, आपने ऑपरेट किए, पेशेंट सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो आपने चीज़ें स्केड्यूल की हैं कि भाई शाम को मैं जो है आज 7 बजे मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा एंड देन आई डू दिस एंड दैट, यू हैव द प्लान्स। बट क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जी। कोई पेशेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई नया पेशेंट आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, आप 7 बजे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय कोई इमरजेंसी आ गई तो आप नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इमरजेंसी अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो है कहीं किसी के यहाँ जो है पार्टी प्लान की है, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। सो यू हैव टू, सो फर्स्ट कमिटमेंट इज टूवर्ड्स योर प्रोफेशन एंड देन ऑफकोर्स विद योर फैमिली, यू नो दैट इज ऑल्सो अ कमिटमेंट। बट फैमिली क्या होता है कि आप की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ इतनी अच्छी होती है कि वो समझ जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप लेट जाते भी तो उन्हें समझ में आता है कि क्यों लेट हुए हैं। हाँ, लेकिन फैमिली के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो इसीलिए जब भी समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, अपने प्रोफेशन से, अपने बाकी सामाजिक जो काम हमारे होते हैं, तो आई ट्राई टू गिव देम 100% टाइम। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछना था कि आप एक कोई एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर कीजिए जो कि मोटिवेट भी करे बाकी लोगों को भी, और साथ ही जो डॉक्टर्स अभी बनने वाले हैं, जो परस्यू कर रहे हैं, वो सभी डॉक्टर्स को भी एक मोटिवेशन मिले, और कोई भी ऐसा एक वाक्या जो आपके किसी भी पेशेंट के साथ, ऑल्दो हर पेशेंट बहुत स्पेशल होता है, लेकिन किसी भी पेशेंट के साथ जो बहुत मेमोरेबल रहा हो और ऐसा रहा हो कि जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। जी जी, ऐसे कई वाक्ये हुए हैं और होते रहते हैं। अब हम लोग पेन डाउन नहीं करते उन वाक्यों को, लेकिन ऐसा एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक मरीज जो है हमारे पास बहुत दूर से आया, वो उसकी जो है एक बहुत ही आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी ख़राब थी, तो वो इस लायक नहीं था कि जो है कोई भी ऑपरेशन करा सके। हार्ट के 2 वैल्व उसके जो है ख़राब थे, तो अब वैल्व का ऑपरेशन कराना था, ऑपरेशन का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी अस्पताल में जाएगा तो जो है वहाँ पे जो है वेटिंग करीब जो है 3-4 साल की वेटिंग उसको जो है बताया गया, तो 3-4 साल उसके पास नहीं थे क्योंकि हार्ट का फंक्शन काफ़ी ख़राब था, वैल्व बहुत ख़राब थे, वो थोड़ा चलने पर भी उसकी सांस फूलती थी। तो और सरकारी में 3-4 साल की वेटिंग के साथ वो निराश हो गया काफ़ी। अब ऐसे मरीज़ एक नहीं है, ऐसे मरीज़ बहुत हैं और इन चीज़ों से जो है गुज़र रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें। तो मेजॉरिटी इस तरह के मरीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोले अब 3 साल हैं, हम घर वापस जाएंगे, अगर ज़िंदा रहे तो कराएंगे और नहीं रहे तो फिर राम भरोसे, है ना। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम देखते हैं कहीं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कुछ हो जाए, कहीं सस्ते में कुछ मिल जाए, लेकिन इतने सस्ते में उनको कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा इलाज होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, यू नो, दे जस्ट डू नॉट सर्वाइव, यू नो दैट दोज 3-4 ईयर्स ऑफ वेटिंग। तो ये भी उसी तरह का मरीज़ था, 15 साल पहले इसको जो है बताया गया था कि ऑपरेशन होना है, वो 15 साल से जो है वो ऑपरेशन नहीं करा पाया। वो जाता रहा जो है, चक्कर लगाता रहा सरकारी अस्पतालों में। इवन सरकारी अस्पतालों में भी एक हार्ट सर्जरी में एक कॉस्ट होती है ना, कि जैसे बाईपास ऑपरेशन तो 1-1.5 लाख के आसपास आपको खर्च करना होगा, है ना। वेल्व है तो 1.5-2 लाख के आसपास आपको खर्च करना होगा। अब ये मरीज़ जो है नाई था, बेसिकली बाल बनाने का काम करता था, वो भी बाहर जो है पेड़ के नीचे
कुर्सी लगा के जो है बाल काटता था। तो हमने जब इससे पूछा तो वो बताया उसने कि उसकी आमदनी जो है दिन भर में जो है 80 रुपये 100 रुपये ऐसी आमदनी। तो दिन का 100 रुपये कमाने वाला आदमी वो कहाँ से जो है हार्ट के 2 वाल्व खराब हैं और हार्ट का बड़ा ऑपरेशन जिसमें 5 लाख 6 लाख के आसपास का खर्चा है नहीं करा पाया। तो 15 साल उसने वेट किया, आज जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा बड़ी। तो वो यहाँ अस्पताल में आया, शायद उसने कहीं से सुना हो कि कुछ जो है मदद उसकी हो सकती है जी। तो मरीज़ जो है यहाँ आया, जब हमने हमसे उसने बोला कि जो है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत है आपको लेकिन इसमें खर्चा इतना होगा। तो हमारे हॉस्पिटल में यहाँ खर्चा करीब 5 लाख 5 लाख के आसपास का खर्चा है जी। तो मरीज़ ने अपनी असमर्थता जताई, तो हमने पूछा आप कितना कर सकते हैं। तो मरीज़ ने कहा साहब हम तो जो है 20,000 रुपया लेके आए हैं। तो व्हाट दैट मेंट इज़ कि हमें जो है ये देखना था कि हम उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था करें, है ना। अब इतना बड़ा अमाउंट जो है, हम भी अस्पताल में एम्प्लॉयड हैं, है ना, अस्पताल हमारा नहीं है जी। तो अगर हम अस्पताल के मालिकों से बोलें कि आप इस मरीज़ का, तो हमारी बात नहीं मानेंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब हाथ जोड़ते हैं आपसे, नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ है हमारे साथ। तो एक बड़ी समस्या थी कैसे करें जी। तो हमने जो है अपनी टीम से बात की, पहले हमें लगा कि शायद हम मना कर दें इसको, है दिमाग में आया जी। लेकिन बड़ा बुरा लगा हमको ऐसा बोलते हुए उसको, और फिर हमने सोचा हम अपनी टीम से बात करते हैं जी। तो टीम में हमारे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात की, हमने बताया उनको कि ऐसी ऐसी बात है, क्या संभव है। और हमारे सरप्राइज, मतलब हम तुम्हारी सरप्राइज, वो कार्डियोलॉजिस्ट जिनसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उन्होंने जब कहानी सुनी कि ऐसा है मरीज़, इतना गरीब है, 15 साल उसको लग गए जो है ऑपरेशन के बारे में जो है सोचते हुए और नहीं करा पाया, तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं अपनी तरफ से 1/3 कॉस्ट बेयर करूँगा। और फिर हमने अपने एनेस्थीसिया टीम से बात की, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, बताया उनको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी फीस नहीं लेंगे, है ना। तो इसी तरह से कार्डियोलॉजिस्ट ने जो है कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, एनेस्थेटिस्ट ने बोला हम अपनी फ़ीस नहीं लेंगे, हमने बोला हम अपनी फ़ीस नहीं लेंगे, साथ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे जी। इसी तरह से मिलजुल के उस मरीज़ के ऑपरेशन का की व्यवस्था हो गई, और अल्टीमेटली वो मरीज़ के दोनों वाल्व रिप्लेस हुए, ऑपरेशन अच्छा हुआ, मरीज़ घर वापस गया। लेकिन जाते समय वो बोल के हमको गया कि डॉक्टर साहब आगरा से, जो उसका घर था आगरा से दिल्ली आने में हमें आज 15 साल का समय लग गया। तो ये वाक्या मेरे जहन में जो है हमेशा रहता है, समझ में आया मुझे कि वाकई में वो सच बोल रहा है, यही हुआ। आगरा से दिल्ली की दूरी सिर्फ 3 घंटा है, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, लेकिन उस मरीज़ को यहाँ पहुँचने में और अपना ऑपरेशन कराने में वो 3 घंटे की दूरी वो 15 साल में तय कर पाया। तो एक वाक्या जो मेरे साथ जो है बार बार जो याद आता है, इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं। बिल्कुल, बहुत इमोशनल भी है जी। और जिस तरीके से ये पूरा आपने स्टोरी मुझे बताई है, उस तरीके से मुझे लगता है कि ऐसे बहुत पेशेंट्स होते होंगे, और बहुत से पेशेंट्स अक्सर ऐसा भी होता होगा कि वो आ भी नहीं पाते होंगे, वो उससे पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। तो साथ ही आप उत्तराखंड से हैं, इमोशनल मोमेंट के बाद मैं जरूर एक पॉजिटिव साइड में आना चाहूंगी कि उत्तराखंड के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से एक्चुअली आप क्या कुछ उन्हें बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ऑल्दो आप बहुत कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पर हरिद्वार में, तमाम जगहों पर हॉस्पिटल जो है वो है, तो और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए। जी, उत्तराखंड तो हमारे दिल के बहुत क्लोज है, हम वहीं के हैं, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही नेक लोग होते हैं उत्तराखंड के, सीधे लोग होते हैं जी। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रखते हैं, बहुत दिखावट बनावट उत्तराखंड के लोगों में नहीं होती है, सीधे सच्चे लोग होते हैं। और थोड़ी कुछ परेशानियां हैं हमारे उत्तराखंड में, हेल्थ की परेशानी है, जो हमारे पहाड़, इतने सुंदर पहाड़ हैं, जो इतने सुंदर पहाड़ शायद स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं होंगे, बहुत सुंदर पहाड़ हैं। और समस्या ये है कि वहाँ पलायन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है, लोग जो है वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ,
और जॉब, तीनों के अभाव में जो है पलायन जिस तरह से हो रहा है, हमारे गांव खाली हो रहे हैं, हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारी इच्छा है कि हम कुछ कर पाएँ कि वहाँ पे लोग जो है वापस अपने गांव वापस आएँ, पहाड़ दोबारा से जो है हरे भरे हो जाए। और इसी दिशा में जो है ये SVHM का जो प्रयास है कि हम एटलीस्ट वहाँ पे हेल्थ पहुँचाएँ रिमोट एरियाज में, ताकि लोग वहाँ से हेल्थ की खोज में नीचे ना आए। दूसरे फेज़ में हमारा एजुकेशन पे काम है वहाँ पे, तीसरे फेज़ में स्वावलंबन पे काम है, है ना। तो इस तरह से हमारी ये एक प्रयास है इस माध्यम से, SVHM के माध्यम से, कि ये एम, ये गोल हम जो 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 लोगों को वहाँ पर विस्थापित करने, या एटलीस्ट पलायन अब और ना हो जी, इसको रोकने के लिए जो है कुछ ठोस कदम उठा सकें इस SVHM के माध्यम से, ऐसी हमारी कामना है। सर बहुत बहुत बधाई सक्सेसफुल सर्जरी के लिए और ये तमाम काम जो आप कर रहे हैं, और पूरा देश, हर इंसान जो है वो सभी डॉक्टर्स का, न सिर्फ आपका बल्कि हमारे देश में जितने डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त जिस तरीके से जुटे हुए हैं उन सब के लिए थैंकफुल हैं। पूरी हमारी जो टीम है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल चंदोला जी, और अगली बार डॉक्टर स्पेशल में एक और ऐसे ही डॉक्टर से मिलेंगे जो अपने आप में ह्यूमैनिटी की मिसाल होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।